नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर भोपाल से है, जहां सीएम की मॉर्निंग एक्सरसाइज बैठक शुरू हो चुकी है। बता दें, झाबुआ और मंदसौर जिले के अधिकारियों की वो बैठक ले रहे हैं। दोनों जिलों के कलेक्टर से सीएम शिवराज सिंह चौहान चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ कानून व्यवस्था, पेयजल और जन योजनाओं को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान की मॉर्निंग एक्सरसाइज बैठक शुरू हो चुकी है। बता दें, दोनों जिलों के कलेक्टर से वो चर्चा कर रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर, पेयजल और जन योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान चर्चा कर रहे हैं। मैं इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहा हूं। मिशन उम्मीद, पहुंच अभियान और अंकुर अभियान में जो काम बड़वानी जिलों में हुआ है वो एक्सलेंट हुआ है। ये मेरी सहयोगी भोपाल से अमितांशी जोशी हमारे साथ जुड़ रही है। अमितांशी, सीएम शिवराज सिंह चौहान की मॉर्निंग एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है, जो उनकी बैठक है वो शुरू हो चुकी है। क्या कुछ मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है इस बैठक में? देखिए, सुबह 6:30 बजे अलीशा ये बैठक शुरू हुई है और आज मंदसौर और झाबुआ जिले की बारी है, हम कह सकते हैं। और दोनों ही जिलों की बैठक आज सीएम शिवराज ले रहे हैं और कलेक्टर्स जो हैं दोनों ही जिलों के वो वर्चुअल माध्यम से यहाँ पर जुड़ चुके हैं। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि जो स्थानीय विधायक हैं, साथ ही जो हम कह सकते हैं प्रभारी मंत्री हैं, हरदीप सिंह डंग और जगदीश देवड़ा, दोनों ही बैठक में जुड़ चुके हैं। ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। हम लगातार देख रहे हैं कि सीएम शिवराज आजकल सुबह ही एक्शन मोड में नज़र आते हैं और वो बैठकें लेते हैं। खास बात यह है कि बैठकों में वो कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा करते हैं, पेयजल को लेकर चर्चा करते हैं, साथ ही और भी कई अन्य मुद्दे हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं जो जनों लोगों से जुड़ी योजनाएं हैं, योजनाओं को लेकर वो चर्चा करते हैं कि क्या जमीनी स्तर पर उन योजनाओं में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। इसको लेकर खास सीएम लोगों से बातचीत करते हैं, चाहे हम राशन वितरण व्यवस्था की बात करें, प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करें। तो कुछ ऐसे योजनाएं हैं और कुछ ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर सीएम आजकल काफ़ी ज़्यादा एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, चाहे हम पेयजल की बात करें या फिर यही योजनाओं की बात करें। साथ ही कानून व्यवस्था एंड लॉ एंड ऑर्डर, ये भी जो दो मुद्दे हैं काफ़ी ज़्यादा सीएम शिवराज इन पर हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कड़े तेवर उनके दिखाई देते हैं। पिछली बैठकों में हमने देखा कि सीएम ने सभी अधिकारियों को और अफसरों को फ्री हैंड दिया है अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए। तो यहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था मध्य प्रदेश में सुधारने के लिए सीएम ने जिलों की बैठक लेना शुरू कर दिया है। देखिए, सबसे पहले वो जिले शामिल हुए थे जहाँ पर हाल ही में अभी ऐसी कुछ घटनाएं सामने आई हैं जहाँ पर सामाजिक हार्ट जो है वो बिगड़ा है। चाहे हम राजगढ़ की बात करें, सिवनी की बात करें, खरगोन की बात करें, सबसे पहले उन जिलों से ये बैठक शुरू हुई। लेकिन आज ये बैठक मंदसौर और झाबुआ की होने वाली। हमने देखा है कि झाबुआ एक हम कह सकते हैं आदिवासियों का इलाका है, तो आदिवासियों को लेकर यहाँ पर खास चर्चा कर सकते हैं सीएम शिवराज बैठक में कि किस तरीके से कैसी योजना जो योजनाएं हैं उनका लाभ आदिवासियों तक पहुँच रहा है, तेंदुपत्ता संग्राहकों तक पहुँच रहा है। इसी को लेकर आज सीएम शिवराज खास चर्चा कर सकते हैं बैठक में। ये बैठक दोबारा काफी अहम मानी जा रही है। कानून व्यवस्था चौहान की मॉर्निंग एक्सरसाइज बैठक लगातार जारी है, अधिकारियों के साथ वो बैठक में चर्चा कर रहे हैं। मितांशी, बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम देते रहेंगे। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक है आज। बता दें, सुबह 11 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। प्रबंधकों की भर्ती को लेकर अहम फैसला हो सकता है। बता दें, प्रदेश के अस्पतालों में नए प्रबंधक जो है वो सरकार करेगी। सुबह 11 बजे मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इसी खबर पर मेरी सहयोगी अमितांशी जोशी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अमितांशी, आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक है, क्या कुछ रणनीति इस बैठक में बन सकती है? देखिए, शिवराज कैबिनेट की बैठक के बारे में अगर हम बात करें तो ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि आरक्षण के कुछ साथ चुनाव करवाने का फैसला अब आ चुका है। तो इसके मद्देनज़र में ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। कैबिनेट पूरा जब साथ जमा होगा तो जाहिर सी बात है कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, चाहे हम नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बात करें, पंचायत चुनाव को लेकर बात करें। और खास बात तो ये है कि जनता से जुड़ी योजनाओं को लेकर यहाँ पर प्रस्तावों पर आज मुहर लगेगी। देखिए, खास प्रस्तावों पर यहाँ पर आज मुहर लग सकती है, जहाँ पर प्रदेश की मेडिकल सुविधाओं को सुधारने के लिए एक अहम प्रस्ताव निकाला जाएगा, जिसमें 2 कैडर राजधानी में और अन्य जिलों में बनाए जाएंगे। हॉस्पिटल
हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल में दो कैडर बनाए जाएंगे। एक कैडर हम कह सकते हैं जो कि डॉक्टर का कैडर होगा जो कि इलाज करेगा, और दूसरा कैडर होगा एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर यानी कि जो हॉस्पिटल के प्रबंधन को देखेगा। तो प्रदेश के सभी जिलों में ऐसे कैडर बनाने की व्यवस्था को लागू करने को लेकर यहाँ पर सीएम शिवराज आर अहम प्रस्ताव रख सकता है कैबिनेट में, जो हम कह सकते हैं स्वास्थ्य विभाग होगा, और इस पर मुहर लग सकती है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं ऐसी घटनाएं सामने आती है जहां पर अस्पतालों में इलाज समय से नहीं मिल पाता है और प्रबंधन की कमी से वहां पर लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। तो इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने एक नया नियम निकाला है कि वो दो कैडर बनाएंगे, और अगर आज इस प्रस्ताव पर मुहर लगती है तो जल्दी जिले और राजधानी के सभी अस्पतालों में ये जो कैडर व्यवस्था है वो लागू हो जाएगी। साथ ही लोक सेवा आयोग में प्रबंधकों की जो भर्ती है वो काफ़ी समय से अटकी हुई है, तो प्रबंधकों की भर्ती को लेकर भी यहाँ पर आज एक अहम प्रस्ताव जारी हो सकता है और इस पर मुहर लग सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज जो हम कह सकते हैं योजनाएं हैं और भी कई चीज़ें हैं इसको लेकर चर्चा हो सकती है। साथ ही जो आरक्षण को लेकर है कि किस तरीके से चुनाव करवाना है, क्योंकि पूरे कैबिनेट से यहाँ सीएम शिवराज राय लेंगे, अध्यक्षता करेंगे बैठक में, तो चुनावों को लेकर भी यहाँ पर खास चर्चा हो सकती है कैबिनेट के बीच में। तो ये देखना होगा कि क्या अहम प्रस्ताव और भी ज्यादा यहाँ पर निकल कर सामने आते हैं। देखिए मितांशी, हम देखते हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जब भी बैठक लेते हैं तो उनके कहीं ना कहीं सख्त तेवर नजर आते हैं उनकी योजनाओं को लेकर। तो आज क्या बैठक में किसी तरह का बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्या किसी तरह के दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं? देखिए बिल्कुल, सीएम शिवराज इन दिनों काफ़ी एक्शन मोड में हैं और इसी को लेकर वो यहाँ पर कड़े तेवर भी दिख रहे हैं उनके, और वो कड़े निर्देश भी दे सकते हैं। देखिए लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर कुछ खास निर्देश यहाँ पर सीएम शिवराज देते हुए नजर आते हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि जिन भी जिलों में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की घटनाएँ सामने आई थी वहाँ के SP कलेक्टर को भी हटा दिया गया। वहाँ पर हमने देखा कि कितनी जल्दी बदलाव हुआ है, चाहे हम सिवनी की बात करें या फिर राजगढ़ की बात करें, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर SP और कलेक्टर का बदलाव हुआ है। तो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को सुधारने के लिए सीएम शिवराज आज कैबिनेट में अहम मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं, अहम मुद्दों पर वो निर्देश दे सकते हैं कि किस तरीके से। लगातार हम देख रहे हैं कि मॉर्निंग बैठकों में भी वो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को सुधारने की बात कर रहे हैं। तो गृह मंत्रालय को यहाँ पर कुछ खास सुरक्षा इंतजाम करने के और कड़े निर्देश यहाँ पर मिल सकते हैं कि किस तरीके से प्रदेश में पूरी सुचारू रूप से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की जाए। साथ ही अपराधियों को लेकर भी यहाँ पर खास प्रस्ताव निकाला जा सकता है कि किस तरीके से अपराधियों की जमीनों को छीनकर गरीबों को दिया जाना है, और गौ माफिया, गौ कशी जो हम कह सकते हैं, और माफियाओं के खिलाफ एक बड़ा यहाँ पर निर्देश हम कह सकते हैं कि सीएम शिवराज आज कैबिनेट की अहम बैठक है, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। साथ ही साथ प्रदेश के अस्पतालों में नए प्रबंध सरकार करेगी। मितांशी बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां खिलौने इकट्ठे करने निकलेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। आज हाथ ठेला लेकर भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान निकलने वाले हैं। आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए सीएम शिवराज का अभियान है वो शुरू होगा। सीएम शिवराज ने अभियान से जुड़ने के लिए अपील भी की है। बड़ी खबर है भोपाल से, जहां खिलौने इकट्ठे करने के लिए आज सीएम शिवराज सिंह चौहान सड़कों पर निकलेंगे। मेरी सहयोगी मितांशी लगातार बनी हुई है। मितांशी, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान नए अभियान की शुरुआत करने वाले हैं, आज बच्चों के लिए खिलौने इकट्ठे करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे वो। देखिए ऐसा पहला मौका होगा जब कोई सीएम यहाँ पर सड़कों पर उतरेंगे ठेला लेके, और वो भी आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए खिलौने और पुस्तक इकट्ठी करने के लिए। देखिए ये मौका ज़रूर खास होगा क्योंकि सीएम खुद ठेला लेकर निकलने वाले हैं अशोका गार्डन इलाके में। शाम को 5:30 बजे वो यहाँ पर ठेला लेकर निकलेंगे, और ख़ास बात यह है कि जन सहभागिता के साथ ये कार्यक्रम सम्पन्न होगा, जहाँ पर लोगों से उन्होंने अपील की है कि वो अपने मन से, उनके मन में जितनी भी कह सकते हैं श्रद्धा हो, वो उस मन से वहाँ पर खिलौने, पुस्तिका और अन्य चीज़ें जो कि आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए ज़रूरी होती हैं वो दान कर सकते हैं। यहाँ पर सीएम खुद ठेला लेकर इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जो प्रदेश में आंगनबाड़ियों की जो हम कह सकते हैं सुपोषित स्तर है वो जल्द से जल्द सुधारा जाए। इसी को लेकर, आंगनबाड़ियों को लेकर हम लगातार देख रहे हैं मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी की व्यवस्थाओं को और उसके स्तर को सुधारने के लिए लगातार सीएम शिवराज यहाँ पर मेहनत करते नज़र आ रहे हैं। और हम कह सकते हैं अडॉप्ट एन आंगनबाड़ी जो कार्यक्रम है जो कि सीएम शिवराज ने खुद भी किया है और वो लगातार अपील कर रहे हैं उसको लेकर,
उसको चर्चा में भी आया है और देश स्तर पर हम कह सकते हैं उसको यहाँ पर तारीफ भी मिली है। तो आज सीएम शिवराज आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए ठेला लेकर निकलने वाले हैं, खिलौने एकत्रित करने वाले हैं। खास बात यह है कि इसमें कई जनप्रतिनिधि शामिल होंगे, कई संस्थान शामिल होंगे और उन्होंने लोगों से खास अपील की है कि जिस तरीके से उनका मन हो, जो भी उनका मन हो, वो यहाँ पर दान कर सकते हैं खिलौने और यहाँ पर आंगनवाड़ी के बच्चों को एक तोहफा दे सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि आंगनवाड़ी की स्थिति कहीं ना कहीं गिर गई है मध्य प्रदेश में और सुपोषित राज्य मध्य प्रदेश को बनाने के लिए मितांशी सीएम शिवराज सिंह चौहान आज इस सड़कों पर तो उतरेंगे ही, लेकिन इस अभियान की शुरुआत करने के साथ वो किस तरह का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? एक बड़ा संदेश यहाँ पर सीएम शिवराज देने की कोशिश कर रहे हैं। खास संदेश तो यह है कि जैसे जैसे चुनाव पास आते जा रहे हैं तो साफ ये झलकता है कि सीएम जो है वो कितने ज़्यादा करीबी हैं ज़मीनी स्तर के लोगों से। चाहे हम आंगनबाड़ी के बच्चों की बात करें, गरीब लोगों की बात करें, तो यहाँ पर एक बड़ा संदेश निकल कर सामने आ रहा है कि किस तरीके से सीएम जो है छोटे वर्ग के लोगों की भी खास चिंता करते हैं। वह चाहे छोटे बच्चे हों जो कि आंगनबाड़ी में पढ़ाई करते हों या फिर उनके माता पिता हों जिनके लिए सीएम शिवराज लगातार योजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक संदेश दूसरी पार्टी को जा रहा है, हम कह सकते हैं जो विपक्ष पार्टी है, कि किस तरीके से सीएम खुद ठेला लेकर यहाँ पर खिलौने लेने के लिए निकलने वाले हैं। एक बड़ा संदेश यहाँ पर कि सीएम कितने ज़्यादा ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। और ख़ास बात यह है कि सीएम जब ठेला लेकर निकलेंगे तो जाहिर सी बात है नज़ारा देखने वाला होगा, क्योंकि कोई प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद बच्चों के लिए खिलौने इकट्ठे करेंगे। तो एक बड़ा संदेश यहाँ पर जाता है सीएम के ठेला लेकर निकलने से और एक ये दोबारा मैं कह सकती हूँ कि बड़ी सियासत की वजह भी बन सकता है, क्योंकि विपक्ष पार्टी ने भी कल खिलौने का वितरण किया था। पहले से ही हम देख रहे हैं सियासत हो रही है, हालांकि सीएम ने कहा है कि इसको किसी सियासत से ना जोड़ा। बिल्कुल, ऐसा पहली बार है जब खुद सीएम सड़कों पर उतरेंगे और बच्चों के लिए खिलौने इकट्ठे करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मितांशी में तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करते अगली खबर का। खबर भोपाल से है जहां दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी। हत्या कर शव को घर में दफनाया गया और गर्लफ्रेंड से अवैध रिश्ते के शक में हत्या की गई है। बता दें अक्टूबर 2021 में मृतक शिवा लापता हुई थी और गर्लफ्रेंड से विवाद के बाद आरोपी ने बवाल किया था। सूचना के बाद बवाल की जांच करने पुलिस पहुंची थी और शक होने पर पुलिस ने घर में खुदाई की और उसके बाद लाश मिली। पुलिस ने आरोपी और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की प्रेमिका को भी मामले की जानकारी थी। मेरे सहयोगी भोपाल से शब्बीर अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शब्बीर, दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी, आखिर ये पूरा मामला क्या है? देखिए, हबीबगंज थाना क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर एक साई द्वार है और वहीं पर एक पास में कॉलोनी है और वहाँ की वारदात ये बताई जा रही है। 1 अक्टूबर 2021 यानी करीब 8 महीने पहले शमशेर सिंह नाम के एक व्यक्ति ने अपने ही दोस्त का शिवा की हत्या कर दी। वो भी इसलिए हत्या करी थी कि शमशेर को शक था कि उसकी गर्लफ्रेंड का शिवा से रिश्ते थे, अवैध रिश्ते थे और उसी को लेकर उसने उसकी हत्या करी और घर में ही गड्ढा खोदा गया और उसको गाड़ दिया और उसके ऊपर से मुरम से उसको ढक दिया गया, यानी मिट्टी डाल के मुरम डाला गया और उसको ढक दिया गया। और करीब ये कह सकते हैं कि 8 महीने के बाद मामले का खुलासा तब हुआ कि देर रात शमशेर शराब पीकर मोहल्ले में हंगामा कर रहा था और जिस व्यक्ति से लड़ रहा था उससे ये कह रहा था कि मैंने शिवा को भी मार कर गाड़ दिया है, मैं तुम्हें भी मार कर गाड़ दूंगा। ये जब उसने शराब के नशे में कहा तो इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, क्योंकि 1 अक्टूबर 2021 से शिवा लापता था और पुलिस को कुछ भी सबूत नहीं मिल रहे थे। लेकिन जैसे ही शमशेर की ये बात पुलिस को लगी, अब पुलिस मौके पर पहुंची और घर में उसके बाद खुदाई शुरू की गई और ये कह सकते हैं कि रात भर खुदाई की गई और उसके बाद एकदम ये कह सकते हैं कि बुरी हालत में लाश को निकाला गया है। पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि लाश पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। तस्वीरें एकदम ये कह सकते हैं कि हृदय विदारक तस्वीरें हैं, दर्दनाक तस्वीरें हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो अपराध करेगा वो छुपेगा नहीं और 8 महीने बाद ही सही अपराध का खुलासा हुआ। और इस पूरे देखिए अक्टूबर 2021 से शिवा जो है वो गायब था, हालांकि काफी देर हो गई इस पूरे मामले में खुलासा होने के लिए, लेकिन अब आरोपी को क्या कुछ उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? देखिए अलीशा, आरोपी की बात की जाए तो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपी की जो गर्लफ्रेंड है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि पुलिस से जो हमारी बातचीत हुई है, पुलिस का कहना था कि आरोपी गर्लफ्रेंड को भी पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी और वो भी इस पूरे मामले को छुपा रही थी, इसलिए दोनों की गिरफ्तारी की गई है। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि अभी तक
शमशेर शिवा के मामले में पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा रखी थी, अब हत्या का मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यह कह सकते हैं जो जानकारी निकल के सामने आ रही, शमशेर वहां का छोटा मोटा बदमाश था, पुलिस को भी यकीन नहीं था कि शिवा की हत्या करने वाला शमशेर है। लेकिन जिस तरीके से घटना सामने आई है, जिसको ये घटना की जानकारी लगी है, ये कह सकते हैं कि पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, क्योंकि इस तरीके का ये दूसरा मामला है। कोलार में मामला सामने आया था जहां पर घर में ही लाश को दफन कर दिया गया था, और दूसरा मामला ये सामने आया है हबीबगंज थाना क्षेत्र में साईं मंदिर के आसपास का ये इलाका बताया जा रहा है, जहां पर अपने ही दोस्त की प्रेमिका से अवैध संबंध के कारण शक था शमशेर को, और उसके बाद उसने हत्या करके शिवा को अपने दोस्त को ही घर में गाड़ दिया था 1 अक्टूबर 2021 को। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर हमें तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते आगे, खबर जबलपुर से है जहां पुलिस ने सट्टा किंग सतीश सतपाल के दो और गुर्गे के ठिकानों पर छापा मारा है। दोनों ही ठिकाने से पुलिस को 30 लाख से ज्यादा नगद रुपए, नोट गिनने की मशीन, 7 लैपटॉप, मोबाइल और कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं। पुलिस को पूछताछ के आधार पर सूचना मिली थी कि सट्टा किंग सतीश सतपाल के गुर्गे दो अलग अलग ठिकानों पर ऑनलाइन सट्टा खिलाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि सट्टा किंग सतीश सतपाल दुबई में बैठकर अपने गुर्गों को ऑनलाइन सट्टे के लिंक उपलब्ध कराता है, और उसके बाद उस लिंक के माध्यम से लोगों को द्वारा ऑनलाइन सट्टा खिलाया जाता है। सतीश सतपाल के गुर्गे शहर भर में लोगों को ऑनलाइन लिंक उपलब्ध कराने का काम करते हैं। इससे पहले भी जबलपुर पुलिस ने सतीश सतपाल के दो ठिकानों पर छापा मारकर ऑनलाइन सट्टे का भंडाफोड़ किया था। शनिवार को ही पुलिस ने सतीश सतपाल के एक ऑफिस में छापा मारा था, जहां से 21 लाख रुपए से ज्यादा नगद, डिजिटल लॉकर, 27 कंपनियों के फर्जी सील, चेकबुक और कुछ दस्तावेज मिले थे। सट्टा किंग सतीश सतपाल के कुछ बड़े बड़े क्रिकेटरों और टी कंपनी से भी संबंध होने की बात सामने आ रही है, जिनकी पुलिस अभी छानबीन कर रही है। काफी बड़े स्तर पर यहाँ पर सट्टा खिलाया जा रहा था, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी राशि 30,46,000 रुपए की राशि आज इनके सट्टे के अड्डे से जब्त हुई है। यहाँ पर मुरली खत्री और उनके लड़कों के द्वारा सट्टा बुकियों से बुकिंग लेकर और लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से रेट बताकर क्रिकेट का सट्टा चलाया जा रहा था। यह कंफर्म सूचना थी कि ये सोमवार को जो सट्टा का जो हिसाब किताब है वो इनके द्वारा किया जाता है। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। बता दें एमपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग की मौजूदगी में बालाघाट में जिला योजना समिति की बैठक में प्रदेश खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल जिला प्रशासन की बैठक व्यवस्था से नाराज हो गए और उन्होंने पद से इस्तीफा देने की पेशकश भी कर दी। दरअसल बैठक में कुर्सी लगाए जाने के क्रम को लेकर जायसवाल नाराज हो गए। इसके बाद काफी मान मनोवल के बाद कुर्सी जो ठीक करने का मामला वो शांत हो गया। हमें निगम का अध्यक्ष है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, उसको कहाँ बैठना चाहिए आप सुनिश्चित करो। आपको जवाबदारी किसकी है? जिला प्रशासन की है। और आपका ऐसा लगता है परेशानी हो रही है तो फिर बातों में नीचे भी बैठ सकता हूँ। मैंने कहा मैं 1200 खलानी क्षेत्र का विधायक हूँ, निर्दलीय विधायक हूँ, वहाँ की जनता का अपमान मैं सहन नहीं कर सकता और मैं निगम के अध्यक्ष से इस्तीफा दे देता हूँ। एमपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और बालाघाट के प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग ने प्रवास के दौरान बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में 50 करोड़ से ज्यादा के निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। शहर मुख्यालय में जयस्तंभ चौक से लेकर गर्रनाका तक 2 लेन सड़क, गौरव पथ, उन्नयन एवं शहर के विविध वार्डों में निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया गया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कमलनाथ सरकार में योजनाओं को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब ये विकास कार्य रुकेंगे नहीं। इस दौरान पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन भी मौजूद रहे। योजना की बात करें तो कमलनाथ जी ने संबल योजना को बंद कर दिया था। अंत्येष्टि के 5,000 रुपए मिलते थे वो भी बंद, 2 लाख रुपए मृत्यु के मिलते थे वो भी बंद, और 4 लाख रुपए एक्सीडेंट के बाद मृत्यु के बाद मिलते थे वो भी बंद कर दिए थे। लेकिन मैं शिवराज सिंह जी चौहान साहब को धन्यवाद दूंगा कि संबल योजना प्रारंभ करके उन्होंने जो हमारे गरीब व्यक्ति है अंत्येष्टि के लिए 5,000 रुपए फिर से प्रारंभ करे, हमारी कन्यादान के लिए 51 की जगह 55,000 रुपए पुनः प्रारंभ कर दिए हैं।
पीएम आवास योजना को लेकर एमपी के मुख्य शिवराज सिंह चौहान हर मंच पर लोगों को प्रेरित करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सीएम योजना ने मिलने पर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन जमीनी स्तर पर पीएम आवास योजना की हकीकत बिल्कुल अलग है। दतिया में योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थी नगरपालिका का चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन उनको आवास योजना के पैसे नहीं मिलते। अधिकारी घंटों घंटों तक गायब रहते हैं, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रशासन की तरफ से कब इन अधिकारियों के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। सर आवास के लिए आए हैं, फिर क्या हुआ? सर किस्त नहीं डल रही सर, तीसरी परेशान हो रहे हैं, मकान अधूरा डला है, पानी का मौसम हो रहा है, कुछ दिन बाद क्या करेंगे फिर हम लोग? आवास की तीसरी दूसरी डलना है, पैसे नहीं आए अभी? अभी नहीं आए। क्या कहते अधिकारी? अभी कहते डरवा देंगे। अब खबर हरदा से है, जहां कांग्रेस का नगर पालिका गेट पर प्रदर्शन किया गया। नगर पालिका गेट पर मटका फोड़कर प्रदर्शन किया गया। वार्ड नंबर 35 में पानी की समस्या का विरोध किया गया है। कांग्रेस नेता जबरन नपा परिसर में घुसे और प्रदर्शन किया गया। नगर पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर मांग पूरी करने की मांग की गई है। नगर पालिका गेट पर मटका फोड़कर प्रदर्शन किया गया। बता दें वार्ड नंबर 35 में पानी की समस्या का विरोध किया गया है। कांग्रेस का नगर पालिका गेट पर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेता जबरन नपा परिसर में घुसे और उन्होंने प्रदर्शन किया। बता दें नगर पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। मुख्य रूप से तो यही मांगे थी, लेकिन इसके अलावा जैसे विधवा आश्रम जो करीब 1985 में बना था, वहाँ की महिलाओं को आज तक मालिकाना हक नहीं मिला है। झूठे मस्टर भरे जा रहे हैं, ये बातें भी निकल के आ रही हैं। इसके अलावा मैंने जैसा शुरू में कहा कि पानी की पर्याप्त करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी शहर के कई क्षेत्रों में पानी नहीं मिल रहा है, और जहाँ पानी मिल भी रहा है वहाँ साफ पानी नहीं मिल रहा है। यही मुद्दों को लेकर आज आंदोलन किया गया। खबर बालाघाट से है। यहां एक महिला ने एक साथ चार बच्चों को जन्म दिया है। सभी बच्चों की हालत अभी गंभीर है। बता दें सभी बच्चों को SNCU में भर्ती करवाया गया। चारों बच्चों में से तीन लड़के हैं जबकि एक लड़की। सभी बच्चों का जन्म जिला चिकित्सालय बालाघाट में हुआ है। ये बालाघाट जिले में अपनी तरह का पहला मामला है। ट्रॉमा यूनिट की विशेषज्ञ टीम ने ऑपरेशन करके बच्चों को सफल जन्म करवाया। वर्तमान से सभी चारों बच्चे गंभीर हैं और वो 1 किलोग्राम वजन के हैं। ये चारों बच्चे जो हैं ये सीजर से हुए हैं, और चारों बच्चे जो हैं 28 हफ्ते के बाद हुए हैं, 29वें हफ्ते में बच्चे पैदा हो गए हैं। तो जो बच्चे अगर अपन ऐसा बोले महीने के हिसाब से, तो ये 7वें महीने के खत्म होने के बाद ये चारों बच्चों का जन्म हुआ है, और वजन बहुत कम है इनका। इनका चारों का जो वजन है वो एक्चुअली एवरेज देखा जाए तो 1 किलो के आसपास ही है। किसी का 1 किलो 30 ग्राम है, किसी का 1 किलो 40 है, या किसी का 1 किलो 50 है, उसी के आसपास चारों का वजन है। तो बच्चे अभी चारों आप कंडीशन जो है बच्चों की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि पहली बात तो 1-7 माह से बच्चे हैं, ये प्रीटर्म बच्चे हैं, समय से पहले हो गए, और इनका वजन भी बहुत ज़्यादा कम है।